अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम से, तो ये है 10 बजे का टाइम। और आज आप भी कह रहे होंगे कि सुबह सुबह ये किधर जा रहे हैं, तो जी आज हम लोग जा रहे हैं अपने स्पॉन्सर के घर में, क्योंकि डैड को कुछ काम था स्पॉन्सर से, उनको चाहिए था स्पॉन्सर लेटर, तो उन्होंने हमें भी रेडी कर दिया। क्योंकि आज उर्वा का स्कूल नहीं था, ऑफ था, तो उन्होंने हमें भी रेडी किया कि आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि मैंने जाना है, तो चलो आप लोगों की भी आउटिंग हो जाएगी। तो हम जल्दी से रेडी हो गए कि चलो आज हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, तो मज़ा आता है। सुबह के टाइम जो ट्रैवल करने का मज़ा है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है और बहुत इंजॉयबल होता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से रेडी हो गए। इतनी अच्छी फीलिंग आती है सुबह के टाइम वॉक करते हुए। जी तो ये है आफ्टरनून का टाइम और डैड के सारे काम फिनिश हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने स्पॉन्सर से मिलना था और उसके बाद उन्होंने टाइम दिया हुआ था अपने एक फ्रेंड को, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया। तो अब हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो होता ये है कि जब भी हम लोग डैड के साथ कहीं जाते हैं ना बाहर, चाहे इवनिंग में जाएं, चाहे आफ्टरनून में जाएं, चाहे मॉर्निंग में जाएं, तो वो हमारा लंच हो या डिनर हो, जो भी हो, वो बाहर होता है। तो हर कोई ये डिसाइड कर रहा था कि आज क्या खाएंगे, तो कोई कह रहा था हम KFC खाएंगे, कोई कह रहा था मैकडोनल्ड्स खाएंगे, और जो हस्बैंड थे वो यही कह रहे थे कि नहीं सिंपल खाना खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में। जी तो ये है शवारमा प्लेट, तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड ने भी अपने लिए शवारमा प्लेट ऑर्डर की, और उर्वा के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किए चिकन पीसेस और साथ में फ्रेंच फ्राइज थे। तो मम्मी ने अपने लिए सीख कबाब लिए थे और उन्होंने अपनी प्लेट की वीडियो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करने दी, क्योंकि वो कह रही थी कि आप अपनी कैप्चर करो, मेरी वीडियो मत कैप्चर करो। आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात भी शेयर करती हूँ कि आज हम जिस रेस्टोरेंट में आए थे ना, तो उधर डिस्काउंट चल रही थी, जिसकी वजह से हमें 50% डिस्काउंट मिला। तो हम बड़े खुश थे कि वाओ आज तो हमें डिस्काउंट भी मिल गया साथ में। तो बस अब यहाँ पर हम लोग अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं। तो लंच हमने कर लिया है और अब हम लोग आए हैं मॉल में। तो मॉल में आने का हमारा मेन पर्पस ये था कि मैंने आज करवानी थी उर्वा की हेयर कटिंग, क्योंकि उर्वा के हेयर्स काफ़ी लेंथी हुए हुए हैं, तो मैं चाह रही थी कि इसके हेयर्स थोड़े से शॉर्ट हो जाएं, क्योंकि स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं तो उनको इतने लेंथी हेयर सूट नहीं करते, बहुत मेस क्रिएट करते हैं स्कूल में। तो इस वजह से मैं यहाँ पर सैलून में आई हूँ कि यहाँ पर करवाती हूँ उर्वा की कटिंग। That suits on her. You want short or not short? Short hairs. We want a short hairs. Okay, cut nicely. That yes, suit on her face, like yours. Only has plate. Yeah. Come, baby. Lie down, okay? Lie your head here. Yeah, okay. They are washing your hairs. I have washed her hair today. Today you just what? Yeah. It's too short. Yeah, it's okay. Fine. You can cut from here, okay? Then we will decide. Okay, it's bob cutting. Bob long, but from the front. Yes, for me bob short, but for she bob long. Bob long, okay.
Baba, do you like your cutting? Yes. Say thank you to auntie. Thank you. उर्वा की कटिंग के बाद हम लोगों का प्लान था कुछ शॉपिंग का, तो मम्मी ने और खाला ने इंडियन ड्रेसेस लेने थे, तो मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि यहाँ पर इंडियन ड्रेसेस की क्या वैरायटी होती है और किस तरह की कलेक्शन होती है। इस शॉप में ना इंडियन ड्रेसेस कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, तो बचपन से जब भी हम लोगों ने कुछ परचेजिंग करनी होती थी, इंडियन ड्रेसेस लेने होते थे, तो इसी शॉप पर हम लोग आते थे। तो सेम इसी तरह अभी भी हम लोग इसी शॉप में आए और इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, तो हर तरह की कलेक्शन मिलती है। आप कैजुअल लेना चाहें, आप फैंसी लेना चाहें, आप पार्टी वेयर लेना चाहें, वेडिंग वेयर लेना चाहें, तो हर तरह की कलेक्शन होती है। और हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगती है यहाँ की कलेक्शन और यूनिक होती है, तो यहीं से हम लोग परचेज़ करते हैं जब भी परचेजिंग करनी होती है। ये बनारसी दुपट्टे के सारे ये शायद ले लिए हमने, उधर से लिए ये जी हमने ले लिए। आंटी इसका कंट्रास्ट देखें, ये हम पहन लिए हैं, ये तो पहन लिए हैं, ये थे पहले, ये लिए थे पहले हमने, नहीं अभी ये आपका, ये मेरा, मेरा मेरा भी यही था, इसी तरह का था, ये भी देखें। नहीं मुझे तो अच्छा लगा। इसमें कलर और कौन सा? तीन डिजाइन है, तीन है जैसा चीज, जो चीज बनाओ ना, सलवार चीज, कैपरी जो बना, ये इसका ट्राउजर हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट।
तो ये सारे ड्रेसेस मम्मी ने परचेज़ किए हैं और मैंने सिर्फ एक ड्रेस परचेज़ किया क्योंकि मुझे सिर्फ आज एक ही अच्छा लग रहा था। तो ओवरऑल कलेक्शन बहुत अच्छी थी, यूनिक थी। तो वैसे भी हम लोगों ने परचेजिंग करनी थी ड्रेसेस की, तो आज कर ली। और इसके बाद अब हम आए हैं मम्मी की फ्रेंड के घर, क्योंकि मम्मी की फ्रेंड के घर आज छोटी सी किटी पार्टी थी। तो शॉपिंग करने के बाद हम और खाला हम इधर आंटी के घर में आए और आंटी ने मज़े मज़े की डिशेज़ बनाई हुई थी। तो आज का डे तो बहुत अच्छा स्पेंड हुआ। लंच भी हम लोगों ने बाहर किया और डिनर मम्मी की फ्रेंड के घर कर लिया, तो बहुत इंजॉयबल डे था। तो बस यहाँ पर अब मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। तो अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। लाइफ विद मैडी इन ओमान, टाइम टू से गुड बाय, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।